हेलो फ्रेंड्स, शाम के बज चुके हैं 5 और मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में बच्चों ने सामान इधर उधर रखा हुआ था, तो मैं उन चीज़ों को अब उनके गौ पे रख लेती हूँ और उसके बाद मैं चढ़ा देती हूँ अंडे। आज शाम को मैं बनाने वाली हूँ अंडा करी और इन्हें बॉईल कर लूँगी। जब सब्जी बनाऊँगी तो ये ठंडे हो जाएंगे, छीलने में आसानी रहेगी। और मैं काट लेती हूँ प्याज। आज बारिश का मौसम है और बच्चे खेलने नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए मैं जल्दी किचन में आ गई। उसके बाद मैं थोड़ा बच्चों को पढ़ा लूँगी और उनके साथ टाइम स्पेंड कर लूँगी। लहसुन को मैंने ईमानदस्ते से कूच लिया है और उसके बाद हाथों से इन्हें रगड़ लूँगी, जिससे इनके छिलके इजीली निकल जाएंगे। वीडियो बनाने के बाद रिकॉर्डिंग फिर से करनी पड़ती है, क्योंकि मैं मोबाइल से ही वीडियो बनाती हूँ। कभी मोबाइल दूर रहता है, कभी पास रहता है। और उसके बाद गर्मी बहुत है तो पंखे उनके चलते हैं, उनकी वॉइस बहुत ज़्यादा आती है और बाहर की तो जो हम बोलते हैं तो वो सुनाई नहीं देता, इसलिए मुझे बाद में ही इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। और मैंने छील लिया है लहसुन और मैं चली गई हूँ बच्चों के स्टडी रूम में। और आप देख सकते हैं बच्चों की स्टडी रूम की हालत। आराध्या और मानवी ने अपना डेस्क बहुत गंदा कर रखा था, कॉपी किताब व्यवस्थित नहीं की थी, तो मैंने उन दोनों से उनकी कॉपी किताबें व्यवस्थित करने के लिए बोली, तो वो दोनों अभी अपने अपने टेबल को व्यवस्थित कर रहे हैं। ये दोनों आए दिन बहुत ज़्यादा कॉपी किताबें फाड़ते हैं, इसलिए मैंने यहाँ एक थैला रखा है। देखिए, एक दो हफ्ते में ही इसे भर देते हैं ये कॉपियों के पन्ने फाड़ फाड़ के। दोनों अपना टेबल व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। आराध्या ने बहुत पुरानी बुक्स भी संभाल के रखी हैं, जो मैंने उससे बोला कि रद्दी में दे दूँ, उसमें डाल दी थैले में, तो वो मना कर रही थी। उसने कॉपी के पेज ढूंढे और उन्हें वहीं पे सेट कर लिया। कोई कोई चीज़ जिन्हें नीड नहीं है, जिन्हें संभालने की, उन्हें वो संभाल के रखती है, और जो उन्हें उसे संभालने हैं, जो उसकी पढ़ाई अभी उसके काम के हैं, उन्हें वो बिल्कुल भी संभाल के नहीं रखती है। और अब मैं इसे करा लेती हूँ होमवर्क, दोनों बच्चों को पढ़ा लेती हूँ। आराध्या खुद से बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, एक शब्द भी नहीं लिखती है, मुझे उसके साथ ही बैठना पड़ता है, उसे पढ़ाना पड़ता है, इससे मैं बड़ी वाले को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि आराध्या को बिज़ी रख के थोड़ा से भी ऐसी देखते हुए दोनों को साथ में बिठा के पढ़ाती हूँ। मानवी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, मुझे नहीं पता मेरे ब्लॉग्स कैसे बनते हैं, वैसे मुझे इस चीज़ों का कोई आइडिया भी नहीं है। मैं ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, मैं बहुत साई टाइप की हूँ, मैं किसी से ज़्यादा बोलती नहीं हूँ और घर में ही बंद रहती हूँ, तो मुझे मतलब मेरे अंदर बहुत हेजिटेशन है, मैं किसी से भी अच्छे से बात नहीं कर सकती। तो धीरे धीरे मैं थोड़ा बहुत अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ। कहते हैं ना, आप अपने भाग्य के मालिक और अपनी आत्मा के कप्तान हैं, क्योंकि हमारे पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। वैसे कहा जाता है हम जैसा सोचते हैं हमारी ज़िंदगी वैसी बनती जाती है, वैसे काफ़ी हद तक ये चीज़ सही हुई मेरे लिए। मैं बहुत नेगेटिव थी, मैं पहले बहुत नेगेटिव थॉट्स ही मेरे दिमाग में हमेशा आते थे और मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी। अब मैं थोड़ा बहुत आराध्या अपनी पढ़ाई कर रही है और मानवी अभी रीडिंग कर रही है, इंग्लिश रीडिंग।
आराध्या को टाइम बहुत लगता है होमवर्क करने में। स्कूल से भी इसकी काफ़ी कंप्लेन आती है। मैम बोलती है कि ये कहना नहीं मानती, कभी काम अच्छे से नहीं करती है। घर में भी इसका यही हाल है, बस अपने मन की और थोड़ा जिद्दी है ये लड़की। और अब मैं आ गई हूँ किचन में मानवी को काम देके, और आराध्या को मैं अपने साथ लेके आ गई हूँ। और अभी बज गए हैं 7:30 हो गया है, और अब मैं अंडे छीनने लगी हूँ। आराध्या ने अपना हिंदी का काम, उसका रह गया था तो वो हिंदी का काम कर रही है। मैंने उसे काम दे दिया है, अभी भी वो मुझे देख रही है, वो काम बहुत कम करती है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश होने की वजह से थोड़ा बहुत धूप निकले तो उसके बाद उमस होने लग जाती है। अंडे छील लिए हैं, उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और मैं खा रही हूँ सेब। अंडों में मैं थोड़ा सा नमक मसाले ऐड कर लेती हूँ। अंडे जब हम फ्राई करते हैं तो चटकते हैं, तेल मुंह में आता है, इसलिए इसमें थोड़ा नमक डालने से वो थोड़ा कम फटते हैं, चटकते नहीं हैं। अंडे मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं, और आराध्या को पढ़ाते हुए और गर्मी से किचन में काम करते हुए मेरा रिएक्शन फेस का इस प्रकार होता है। मैं काफ़ी कभी बहुत गुस्सा आने लग जाता है। और उसके बाद मैंने आटा भी गूंथ लिया है, और हस्बैंड के लिए चावल चढ़ा लिए हैं, और अब मैं बनाने लग गई हूँ रोटियाँ, क्योंकि अब हस्बैंड आ जाते हैं 9:30 के आसपास, तब तक बच्चे सो जाते हैं। बच्चे 8:30 खाना खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी उठना होता है। मानवी आ गई है अपना काम कंप्लीट करके, और आराध्या आपसे पता नहीं क्या पूछ रही थी। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।